यहां पर मुल्तान से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। नून लीगी सेनेटर साबका एमएनए राणा महमूदुल हसन नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। राणा महमूदुल हसन एनए 150 से शेर के बजाय तीर के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। जी नाजरीन, सबसे पहले आपको न्यूज़ दे रहे हैं, इसी बात पर कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मुल्तान ख्वाजा सकलैन ने। जी सकलैन, एक से बढ़कर एक टिकट गिरती जा रही है नून लीग की, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बहुत शुक्रिया। नून लीग की सीनेटर साबका एमएनए राणा महमूद हसन जो कि नून लीग को छोड़कर बाकायदा तौर पर पीपल पार्टी में शामिल हो गए हैं, और अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में मौजूद थे, जिनकी राणा महमूद हसन से बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो है उन्होंने राणा महमूद हसन ने ऐलान भी कर दिया पीपल पार्टी में शमूलियत का। राणा महमूद हसन अब जो है शेर के बजाय जो है तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जो वजह सामने आई है वो यही है कि एनए 150 की जो नून लीग की टिकट थी जो राणा महमूद हसन को मिलनी थी, राणा महमूद हसन को नून लीग की तरफ से टिकट जारी नहीं किया गया। टिकट जो है वो जवेद अंसारी को एनए 150 की तरफ से नून लीग की तरफ से जो है वो जारी किया गया है, जिसके बायस जो है राणा महमूद हसन ने बाकायदा तौर पर अब इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली है, शेर के बजाय जो है अब वो तीर के निशान पर जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सकलैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेनेटर एमएनए राणा महमूदुल हसन नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की राणा महमूदुल हसन से मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया।